देख लो सोशल मीडिया पे एक ही चीज की बात करता है कि आप अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे आप ढेर सारे काम एक दिन में कर सकते हैं, और एक छोटे से दिन को कैसे आप सुबह उठ के छोटे से बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक, कितने हद तक सही है और कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, ये सब बात करेंगे आज हम लोग, और मज़े मज़े की रेसिपीज भी बनाएंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। और अब करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज मेरे पास किचन में बहुत ज़्यादा काम है, तो मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं था, साथ ही हम यहाँ पे चने की दाल में कद्दू के साथ बना रहे हैं और शामी कबाब बना रहे हैं, तो दोनों डिशेस के लिए हमको चने की दाल चाहिए थी, इसलिए हमने दो अलग अलग बोल्स में चने की दाल भिगा के रखी है। और क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, तो हमने सोचा जब तक चने की दाल और कद्दू की जो दाल है वो उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम रोज़ सुबह सवेरे उठ जाते हैं और आज भी हम सवेरे ही उठे थे, बट बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम दोबारा सो गए थे, क्योंकि रात में ना काफ़ी सोने में हमको टाइम लग गया था, क्योंकि हम सीरियल देखने में लग गए थे, तो बड़ा मज़े का सीरियल था, तो इसीलिए एक के बाद एक एपिसोड चलते गए और मेरी नींद उड़ती गई, क्योंकि हमको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इसके एंड में क्या होगा। खैर फिर हम 2:30 बजे के करीब सोए थे, बट सुबह उठ गए और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमने दोबारा सोए, तो काफ़ी देर तक सोते रह गए, और जब उठे तो भागम दौड़ में हस्बैंड जी को नाश्ता बना के दिया, और फिर अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे खाना। तो जो हो जल्दी बन ही जाता है, उसमें बनने में तो बस आधा ही घंटा लगता है, बट घर के और भी बाकी सारे काम होते हैं जिनको आपको उसी दिन कवर करने होते हैं। तो जो मॉर्निंग पर्सन होता है वो तो सवेरे उठ जाते हैं मे बी सुबह 5 बजे या 6 बजे और अपने सारे काम आसानी से कर लेते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और उनका डे भी बिल्कुल परफेक्टली स्टार्ट होता है और सारे काम उनके सही सही टाइम पे हो जाते हैं। बट जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है उनका क्या होता है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है ना, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, और आप जो है इसको बदल भी नहीं सकते, क्योंकि आप पैदा ही इसके साथ हुए हैं। हमारे बॉडी में एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है, एक हमारे बॉडी के अंदर की जो क्लॉक होती है ना, वो बचपन से ही अल्लाह ताला ने वैसे ही बना के रखी है, या कह लें कि हमारे जीन्स में ही ऐसी होती है कि हम सुबह उठ के काम नहीं कर सकते। और यही हमें समझना है कि हम अपने जो है काम किस वक्त अपने दिन में पूरे करते हैं, मतलब अपने आप को आपको समझना होगा कि आप दिन में किस वक्त एक्टिव रहते हैं। कितने लोग होते हैं वो सुबह उठ के आसानी से 6 से 9 बजे तक अपने सारे काम कर लेते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं, बट कितने लोग ऐसे होते हैं जो देर से उठते हैं और देर से सोते हैं, और उनके एक्टिव होने का टाइम भी डिफरेंट होता है, मे बी शाम के 5 से 7 या शाम के 6 से 9। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है ना, तो अपने आप को बिल्कुल ही पुश ना करें कि आप 5 बजे उठे, इससे आप अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा जो है आप अपने आप को ही एक अपने ऊपर एक टॉर्चर हो जाएगा, और सारे काम भी जो है ना वो सही से नहीं हो पाएंगे, और एंड ऑफ द डे आप बहुत ही लेजी फील करेंगे और आपको रात में नींद भी ठीक से नहीं आएगी। जो लोग रात को अपना काम करते हैं उन्हें उल्लू भी कहा जाता है, मगर ये उल्लू जो होते हैं ना, जो रात को जाग के अपना काम करते हैं, ये बहुत ही हाइपर एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे जब ये जागते हैं, और उनका जो जहन होता है ना वो भी बहुत तेज़ होता है। तो जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को ज़रूर फोर्स ना करें कि सुबह ही उठ के सारे काम करने, आप दिन के किसी टाइम में भी उठ के अपना काम कर सकते हैं और अपने आप को टॉर्चर करना बंद करें। सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने जो वर्किंग के जो टाइमिंग है उसको ध्यान में रखें कि कब करते हैं, और इसी तरह जो है ना आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बना सकते हैं, और इसी से ही आप थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं। जल्दी से काम को निपटाने का एक और फॉर्मूला है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जो हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम, मतलब एक काम अगर हम कर रहे हैं और हमको दूसरा करना है अभी, तो हम क्या करेंगे ना, टाइम सेट कर लेंगे, 10 मिनट्स हम सोच लेंगे कि ये काम को हमको 10 मिनट के अंदर अंदर ही करना है, तो फिर मेरा काम हो जाता है। घड़ी देखते जाते हैं साथ साथ काम करते जाते हैं, अगर आपको घड़ी नहीं देखनी है तो आप अलार्म लगा लें, और आजकल तो सबके घर में एलेक्सा होती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, जब सुबह झाड़ू देने का टाइम या घर पोछा लगाने का टाइम होता है तो एलेक्सा में 10 मिनट्स का अलार्म सेट कर लेते हैं, बस 10 मिनट्स के अंदर ही मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है, और जब ऐसा कंप्लीट होता है ना टाइम के अंदर काम, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ऐसा लगता है कि आपने कौन सी जंग जीत ली है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये बातों बातों में यहाँ पे हमारा कद्दू कट गया है, और इसकी जो स्टेम वाला पार्ट था ना वो हमने वापस फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि हमको लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं ना 1 से 2 टाइम सब्जियाँ खाना नहीं मांगते हैं। तो आगे व्लॉग्स में आप और भी मेरे ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिससे कि बच्चों को जो है ना हम लोग ठुसा ठुसा के सब्जियाँ खिलाने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पॉइंट पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं।
कद्दू को स्टोर करने का ये भी तरीका है कि जब भी आपके पास एक्सेस कद्दू बच जाए ना, तो इसकी जो स्टेम वाला पार्ट होता है आप उसको स्टोर करें, क्योंकि उसको सूखने में या सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है बनिस्बत इसके बेस के पार्ट में। तो यहाँ पे हमने मसाले भून लिए थे, उसमें दाल को भी डाल के थोड़ा भून लिया है, और फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है कद्दू। और अब हम डाल लें इसमें ढेर सारा पानी, क्योंकि हम बना रहे पतीले में, और इसमें जो है पानी थोड़ा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी कम लगेगा। आपके सामने पेश है लहसुन छीलने का नया हैक। लहसुन को इस तरह से पीटिए ताकि इसकी पिटाई अच्छे से हो जाए, और फिर ये जो है ना पीटने के बाद अपना मुंह अपने से खोल लेगा और सारी सच्चाई जो है इसके बाहर निकल आएगी, बिल्कुल इस लहसुन की तरह। अदरक का पेस्ट मेरा तो खत्म हो गया था, तो सब्जी में हमने डाल दिया था पाउडर वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉरी पाउडर। और अब जो है शामी कबाब में भी हम इसको साबुत ही डालेंगे, तो उसके लिए भी जरूरत नहीं। तो हम बिल्कुल आराम आराम से रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक काम जो है जो मेरा मेन कोर्स है फूड का सब्जी, वो तो हमने चढ़ा दी है, चावल भी साइड में बन ही जाएंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो ये मेरा नेक्स्ट डे के लिए हम बना रहे हैं, ताकि अगले दिन जो है ना आपको जल्दी से मेरे काम सारे हो जाएं। और आज हम खाने में इसके साथ साथ बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, तो बहुत ही डिफरेंट वे में बनाएंगे, जैसे आप लोग बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो इसके लिए थोड़े से डिफरेंट मसाले हैं, जिसके लिए लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च ली, क्योंकि हमको लोगों को काली मिर्चों का टेस्ट पसंद नहीं है। 7 से 10 आप लाल मिर्च ले सकते हैं, या बड़ा घटा भी सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हमने हरी इलायची ली है, जावित्री का फूल लिया है, 1 तेज़पत्ता है, दालचीनी है और लौंग है। इसके बाद हम इसमें और भी मसाले डालेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपको और भी मसाले की ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में भीगी हुई दाल डाल दी है, दाल में जो भी पानी था उसके साथ डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं है, इतना है कि दाल भीग जाए। उसके बाद हम लोग इसमें जो मसाले निकाल के रखे वो डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम लोग बीफ का कीमा, तो बहुत से लोग जो है होल बोटी डालते हैं ताकि रेशा रेशा साथ मुंह में आए, बट हम कीमा यूज़ करते हैं, वो क्यों हम आपको आगे बताएंगे, अभी इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो इसमें हमने डाला है 1 क्वार्टर आलू, छोटा सा आलू डाला है, और ज़रा सा इसमें कच्चा प्याज भी डाल देंगे, वो भी 1 क्वार्टर ही डाला है। तो रफली बस इसको सबको चॉप करना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी हमने आज चुनी है दोनों, कि हमको इसमें खड़े रह के पकाना नहीं पड़ेगा। तो ये सब डाल देंगे। अब ज़रा सा हमने इसमें लहसुन डाला है, 2 कलियाँ डाली हैं, और अदरक भी इसमें है जो है वो काट के डाल देंगे। तो सब कुछ जब इसमें चॉप करके डाल रहे हैं, क्योंकि बाद में तो ये सब एक साथ पिसाई हो गई। और अब जो डालते हैं इसके जो खुशबूदार मसाले हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं, वो है धनिया। तो साबुत धनिया हमने 1 टेबल स्पून डाला है, और सौंफ डाली है 1/2 टेबल स्पून सॉरी। तो इसके साथ साथ अजवाइन भी डाल सकते हैं, मगर क्योंकि अभी गर्मी है तो इसलिए हम अजवाइन नहीं डाल लें। इसमें अजवाइन भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अलग सा टेस्ट आता है, और सर्दी के दिनों में जो है ना अजवाइन से हाजमा भी अच्छा होता है और गर्माई भी बदन को मिलती है। लास्टली इसमें बस हम नमक डाल देंगे, और इस पॉइंट पे हम इसमें हल्दी डालना भूल गए थे, जो कि हमने बाद में ऐड कर दी थी। तो आप हल्दी भी इसी वक्त डाल दें, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि कितने लोग जो रहते हैं ओरिजिनल कलर ही पसंद करते हैं। तो जी देखिए, देर से उठने पर भी मेरा यहाँ पे सब्जी भी चढ़ी हुई है पकने के लिए, जो कि कद्दू है और चने की दाल है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और बीच वाले पतीले में जो है वो हमने भी पानी चढ़ा के रखा है, क्योंकि हम पहले पानी बॉयल करते हैं राइस का, उसके बाद राइस डालते हैं। और प्रेशर कुकर में जो है वो मेरे शामी कबाब बन रहे हैं, और इस टाइम पे हम पीस लेंगे अदरक लहसुन, और साथ ही कुछ सब्जियां हैं जो सलाद के लिए हम चॉप कर लेंगे। तो अदरक लहसुन जो है वो सिंपली अब हम इसको पीस लेंगे, और पीसने के बाद ये ग्लास के जार में डाल देंगे। आप सब लोगों ने तो देखा ही कि किस आसानी से हमने अपने सारे काम को जो है हैंडल कर लिया एक के बाद एक, क्योंकि ना काम करने से पहले हम अपने दिमाग में एक तरह का चार्ट या कह लें या टेबल कह लें वो बना लेते हैं, कि हमको कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में। इवन तो हमेशा से हम भी ऐसे ही नहीं थे, पहले हम भी बहुत ही अलर्ट थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते थे, सारा सारा दिन लग जाता था काम करने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब काम करते करते आदत हो गई है, तो अब समझ में आ जाता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। जैसे कि अदरक लहसुन जो है वो हमारा सालन में आज नहीं यूज़ होने वाला था, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में काम किया, और काम के दौरान ही जो है किचन को भी साफ़ करते गए हैं हम। और यहाँ पर देखिए मेरी दाल जो है ये कद्दू चने की दाल ये रेडी हो गई है। इसमें अभी हम चेक कर रहे थे कि कद्दू गल गया है कि नहीं गला है, या दाल गली कि नहीं गली। और इसी वक्त जो है इसमें अब हम लोग डाल देंगे तड़का। तड़का जो है थोड़ा डिफरेंट हम बनाते हैं, ऑयल और लहसुन एक साथ गर्म करेंगे, मतलब कच्चे ही तेल में आपको लहसुन डालना है। उसके बाद इसमें राई डाल दी है हमने, और अब डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, फिर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से, और फौरन चूल्हा बंद करके इसमें डाल देंगे।
क्योंकि हमारे घर में सबको कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम हर तड़के में यूज़ करते हैं। और हमने ठंडे तेल में लहसुन इसलिए डाला था क्योंकि ऐसा करने से जब लहसुन और तेल एक साथ पकता है ना, तो लहसुन का सारा फ्लेवर उसमें आ जाता है। और तड़का लगाने के बाद हमेशा याद रखिए कि कवर ज़रूर लगा दें, इससे उसकी जो भी तड़के की खुशबू रहती है ना, वो बंद ढक्कन में अंदर ही अंदर पूरा सालन में एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर हमारा शामी कबाब का कीमा भी तैयार है, और इसमें ज़रा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने इसको वापस भुनने के लिए रख दिया था, और चने की दाल में ऊपर से डाल दिया है धनिया पत्ता, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। और जब हमारा शामी कबाब रेडी हो गया तो इसको हम लोगों ने ब्लेंडर की हेल्प से पीस लिया। तो आप देख रही है कितनी आसान हम लोगों की लाइफ हो गई है। जो पुराने ज़माने में तो लोगों को सिलबट्टे पे पीसना पड़ता था और उनके पास टाइम भी बहुत होता था, आजकल के भागदौड़ वाले ज़माने में चाहे जितने भी गैजेट यूज़ कर ले, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। तो यहाँ गर्मा गर्म शामी कबाब जो है ये हमने निकाल लिया है बोल में इसको ठंडा करने के लिए, और फिर हम चले गए थे नहाने के लिए। उसके बाद जब हम वापस आए तो ये पूरा ठंडा हो चुका है, ऑयल गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। और ये देखिए कीमा यूज़ करने से यही होता है कि आपका टेक्सचर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसमें जो है हम लोग ने जो आलू डाला है उससे ये कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। आप लोग देखिएगा कि किस तरह से ये जो है ना इसका कलर बहुत ही शानदार आया था, और आलू से इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। जो हम आपको बताने वाले हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि शामी कबाब को आप जब भी फ्राई करें बिल्कुल इसके लिए हॉट ऑयल होना चाहिए। और इसके किनारी देखिए हमने किस तरह पतली रखी है, बीच में से थोड़ा मोटा है और किनारी पतली है। बहुत से लोग जो है ना पूरा का पूरा एकदम मोटी एकदम बर्गर की तरह इसको बना देते हैं, तो वो शामी कबाब नहीं होते हैं, वो आप बर्गर की पैटी ही कही जाएगी उसको। शामी कबाब थोड़े बीच में से मोटे और साइड में से पतले होते हैं। अच्छा, तेल मेरा यहाँ पर गर्म हो गया था, और इसको चेक करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि जब तेल गर्म हो जाए ना तो इस कुछ कोई भी एक वुडन स्टिक ले लें, चम्मच ले लें, और उसको बैक साइड में इस तरह से डाल के देखें। जब उसमें से इस तरह से बबल्स आने लगे ना तो समझ जाएं कि आपका शामी कबाब गर्म हो गया, मतलब तेल गर्म हो गया है। या फिर एक छोटी सी टिकिया जो है पहले तल लें, जैसे हम कर रहे हैं, एक छोटी सी टिकिया हमने पहले तल ली ताकि समझ में आ जाए कि आपका कीमा जो है वो ऑयल में जाके फट तो नहीं रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे सारे शामी कबाब बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, और इसका कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया है, और बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बने थे और अंदर से उतने ही ये सॉफ्ट थे क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर प्याज जो डाला था। और ऊपर से देखिए आप ये धनिया जो हम लोगों ने साबुत डाला था वो भी आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, और काली मिर्चें भी जरी सी जो डाली थी वो नज़र आ रही हैं हल्की हल्की इसमें से, क्योंकि इसमें मसाला जो है ना वो हम लोगों ने भरपूर डाला है। और ये है हमारी कद्दू चने की दाल, बहुत ही लजीज है, इसको रोटी के साथ खाने से भी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये तड़का जो रहता है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी आप दाल में या कद्दू में ना कड़ी पत्ते का तड़का डाल के देखिएगा। और जनाब यहाँ पे जी हम रेडी हो रही है मेरी प्लेट, और साथ ही हमने इसके पापड़ भी फ्राई किया था, और चटनी तो बहुत ही मस्त है इसके लिए। तो ये रेडी हो गई मेरी प्लेट, ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद आप सबको पसंद आया होगा, मेरे खाने भी पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।